आपको बताएं कि नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दो रुकनी बेंच दिन 12 बजे ये फैसला सुनाएगा। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला किया गया है। बात करेंगे, फयाज महमूद मौजूद है। फयाज बताएगा कैसे सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। देखें, कल सिक्योरिटी वहां पर तैनात की जाएगी क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कल दो रुकनी बेंच नवाज शरीफ की तिबी बुनियाद पर दायर दरखास्त जमानत पर फैसला सुनाएगा। उसके हवाले से ही सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है क्योंकि खदशा है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन वहां पर पहुंच सकते हैं, तो किसी भी बदमकी या नाखुशगवार वाक्य से बचने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। यह हदायत भी जारी कर दी गई है। इसके हवाले से स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी वहां पर तैनात होंगे और साथ ही साथ इजाफी सिक्योरिटी नफरी भी तैनात की जाएगी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बाहर दोनों तरफ में मौजूद होंगे और किसी भी गैर मुतलका शख्स का दाखिला भी बंद कर दिया जाएगा। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के वहां पर लीडर्स पहुंचेंगे, उनको स्पेशल विजिटर्स के जो कार्ड हैं वो जारी किए जाएंगे, वो कार्ड मिलने के बाद ही उनको दाखिले की भी इजाजत दी जाएगी। उसके अलावा वहां पर जो अतराफ में भी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, वेंचर्स भी वहां पर मौजूद है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला किया गया है। फयाज महमूद, बहुत शुक्रिया आपका।